जान ये आ गया डिलेक्स मॉडल 4.5 फुटी मशीन है जी। डबल चल सो चल, इसमें हर किस्म की फसल निकलती है, सिर्फ नहीं निकलेगी तो एक मकई और एक मुंजी नहीं, मॉडल आया जी एक ही जाल में निकलेगा इंशाल्लाह, इसका जाल नहीं तब्दील करना। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई जान, की हाल भाई? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र। ते भाई पहला तो अपने दाड़े दा सानू तारफ करा दियो जी। जी ए शरीफ वीट थ्रैशर हैगी जी, मेरे को 6 किस्म की मशीन ने सिंगल जी, ए बारे ये जनाब सुपर यूनिक मॉडल 105 कटर वाली जी, 4.5 फुटी हैगी जी। ये जाल की गुलाई जी है ना जी भाईजान 52 इंच है, ठीक है। फ्रंट वाला तो दरम्यान वाला वेट जोड़ा है ना 36 इंच का हैगा जी, ठीक है। पखे वाला 26 इंच का, ठीक हो गया जी। 12 इंच का पखा हैगा जी, उपर फीएट मैसी की पुली चढ़ी हुई है, नीचे सेंडर अपना सिंगल आएगी जी। ये सिंगल है इसकी की, अपना ये देख लो एक मॉडल ये हो गया ना जी। ये कौन से ट्रैक्टर के लिए मौजूद ये है? कोई सा भी ट्रैक्टर हो, ठीक है, ये चलेगी, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। अच्छा। पर ये साढ़े चार पांच नहीं है जी, साढ़े चार जी आ जाओ। सब तो पहला तो डाय मॉडल है। हाँ ये सब तो नीचे है, इससे ऊपर ये आ गया मॉडल। ये जनाब आ गई भाईजान स्टैंडर्ड मॉडल 4.5 फुटी मशीन, ठीक है। 104 कटरों में है। अच्छा वो दूसरी कितने? वो 105 कटरों में है। मैं आप कुछ इसके कटर को जो है ना भाईजान काटर वेल्डिंग हुई है एक साइड पे, ठीक है। इसके जाल की गुलाई है 56 इंच, ओके हो गया। फ्रंट पे फीएट मैसी की पुली चढ़ी हुई है जी, ठीक है। अपना वेट जो है 36 इंच का है, ठीक है। दरमियान वाला भी 36, पखे वाला 26 इंच का, 12 इंच का पखा, ठीक है। स्टील की ट्रे डाल के देंगे, कोई से भी मशीन हो गए, डबल पार्ट सी है, 616 के टायर चढ़े हुए है के, ठीक है। ये आ गई 4.5 फुटी स्टैंडर्ड मॉडल। टायर कौन सी कंपनी के इसके साथ? ये टायर सर्विस के होंगे या जनरल के होंगे बस, ठीक है। ये बता दें ये 400 चाल वाला जी? ये 400 चाल हैगी, ये 400 चाल सारी मशीनों 400 चाल हैगी। ओके, अच्छा ये 4.5 फुटी स्टैंडर्ड मॉडल है जी, ये 5 फुटी स्टैंडर्ड मॉडल है 116 कटर में, ठीक है। 5 फुटी स्टैंडर्ड मॉडल 116 कटर में, इसके जाल की गुलाई है 56 इंच, ठीक है। जो मैंने उसका बतलाया ना आपको फ्रंट पे डबल इसकी कह रहे हैं गुलाई जाल ये अंदर? जाल जो सा अंदर है जी, ये व्हील है, व्हील की 36 इंच है जी, दरमियान वाले की या फ्रंट वाले की। अच्छा। पंखा वाला 26 इंच का है। कितना एस्टीमेट वजन होगा इसका? 50 मन है 5 फुटी मशीन का, ठीक है। ये सात स्टैंडर्ड मॉडल 4.5 फुटी खड़ी है, इसका 48 मन वजन है, ठीक है। उससे बाद जो सा यूनिक मॉडल है उसका 44 मन वजन है ये वाला। अच्छा ये जो मशीन आ गई ना जी, ये है डिलेक्स मॉडल मशीन, डिलेक्स मॉडल मशीन है 4.5 फुटी 104 कटरों में है। अच्छा, ये भी 104 कटरों में डिलेक्स मॉडल है, 104 कटरों में। इसके कटर जो से है टिप वाले है, ठीक है। इसके जाल की गुलाई जो सी है ना भाईजान वो है 56 इंच, जो मैंने आपको पहले बताया। फ्रंट पे जो सी डबल पुली है फीएट मैसी। अच्छा इसका वेट जो है ना 37 इंच का है, पखे वाला भी अपना दरमियान वाला और फ्रंट वाला, पखे वाला जो है 28 इंच का वेट है, ठीक है। 616 के टायर चढ़े हुए ये है। ये देखो ना जी हमारे पास मॉडल हैगा स्पेशल डिलेक्स मॉडल मशीन है 120 कटरों वाली। ये भी 120 कटरों में है, ये इसके टिप वाले कटर हैं। इसके जाल की गुलाई जो सी है ना 61 इंच है, 61 इंच 5 फुट से भी ज्यादा, इसमें निकासी ज्यादा होएगी, डीजल की बचत होएगी, टाइम की बचत होएगी। अच्छा फ्रंट वाला और दरमियान वाला वेट 38 इंच का है, ठीक है। पखे वाला 28 इंच का है, ओके हो गया। 13 इंच का पखा है ब्लोर, उससे बाद ये मोर भी लगी हुई है हमारी हर मशीन पे, ये मोरे भी देख लें आप। अच्छा ये टूल बॉक्स अभी साथ दे रहे हैं, ये टूल बॉक्स हाँ जी लगवाया है साथ, ये सब कुछ लगवाया। अच्छा इसका टायर कौन से है ये? अच्छा ये जो है ना 4 इंची का एंगल है फ्रेम, 4 इंची के एंगल का फ्रेम है, 5 इंची के चैनर की हुक है, बड़े टायर हैं, बड़े मैसी वाले फीएट वाले जी, बड़े टायर हैं।
इसकी जो सी है ना, जैसे आपको ये पता लग रहा है ना जी जी क्वालिटी वार, ऐसे इसमें निकासी में भी फर्क है। अच्छा, अच्छा ये इसमें बात सुने, इसमें मोटे टायर लगाने की क्या वजह है? इसका वजन जो उनसे है ना जी 58 मन आएगा। ये जो उनकी अच्छा पीछे मशीन डिलेक्स मॉडल खड़ी है, इसका वजन है 52 मन। ये वजन के हिसाब से बड़े टायर चढ़ाए हैं। ये 120 कट। अच्छा, ये 120 कटरों में आ गई भाई जान। ये जो उनकी मशीन है ना हमारे पे सुपर मॉडल, सुपर मॉडल, ये सबसे टॉप पे मशीन है। वेरी गुड। ये 1.5 फुट की मशीन है, 150 कटरों में। 150। अच्छा, ये जो सा फ्रंट वाला जो सा व्हील है, दरमियान वाला 38 इंची का है। ये फ्रंट वाला? हाँ ये जी, फ्रंट वाला हो गया, दरमियान वाला हो गया, 38 इंची का वेट है। पखे वाला 28 इंची का है। अच्छा, इसका भी 13 इंची का पखा है। ठीक है। अच्छा, इसका भी फ्रेम जो सा है 4 इंची के एंगल का है। इसकी हुक जो सी है 5 इंची के चैनर की है। टायर बड़े हैं, ये सब मशीनें जो सी है ना चल सो चल हैं। अच्छा, इसके कटर जो से हैं 150 दंदे वाले हैं। इसमें इंशाल्लाह जो सा है ना जी, इसमें जैसे मटेरियल में फर्क आ रहा है ना, वैसे इसकी कारकर्दगी में भी फर्क है और इसके डीजल में भी फर्क आएगा। डीजल एफिशिएंसी भी इसकी बेहतर हो गई है। हाँ जी, ऐसा उससे बाद ये है, इसमें थोड़ी सी कौन सी सिनी कनक होती है ना पत्थर वाली, वो भी क्रश होएगी। जिस टाइम जी। सूखी आएगी तो इंशाल्लाह इसकी निकासी ज्यादा है, टाइम की बचत है और डीजल की भी बचत है। अच्छा जी भाईजान, ये आ गया डिलेक्स मॉडल, 4.5 फुट की मशीन है, जी डबल चल सो चल। इसमें हर किस्म की फसल निकलती है, सिर्फ नहीं निकलेगी तो एक मकई और एक मुंजी नहीं निकलेगी। और जैसे हम डबल मशीन में डबल सामान देते हैं, एक गंदा माला जाल होएगा, एक कनक वाला होएगा। उससे बाद जो है ना जी, इसके जाल आप तब्दील कराते रहो, बनवाते रहो। यानी कि अगर किसी ने सरों कटनी है तो जी सरों वास्ते भी जाल अलहदा होएगा, बाजरे वास्ते भी अलहदा होएगा, मटर वास्ते भी अलहदा होएगा, और क्या नाम लोभी वास्ते भी अलहदा होगा। उससे बाद अब मूंगफली वास्ते भी अलहदा होएगा। अच्छा, ये जाल अलहदा होएगा। अच्छा जी, ये अपना डिलेक्स मशीन है, 4.5 फुट 104 कटरों में। सारे इसके कटरों को टिपें लगी हुई है। फ्रंट वाला दरमियान वाला वेट जो उनका 37 इंची का है, पखे वाला 28 इंची का है, 12 इंची का पखा है। ये एक मॉडल ये है। और एक आप इसको डबल क्यों कहते हैं? इसके डबल इसमें ये हिसाब से कहते हैं, इसमें हर चीज निकल जाती है। अच्छा, हर फसल निकल। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं मल्टीपल। हाँ, यूनिवर्सल भी आप यूनिवर्सल जो सी है वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। अच्छा, ये जो सा है स्पेशल डीलक्स मॉडल मशीन है, 4.5 फुट मशीन है, डबल चल सो चल मशीन है। ये इसके कटरों को टिप लगी हुई है, इसके जाल की गुलाई जो सी है 61 इंच है, ते फ्रंट वाला दरमियान वाला वेट 38 इंची का है, पखे वाला 28 इंची का है, उससे बाद 13 इंची का पखा है, टायर बड़े हैं, उससे बाद 4 इंची के एंगल का फ्रेम है, 5 इंची के चैनर की हुक है। ये जो है ना, जैसे आप ऐसे आ रहे हैं ना, इसकी कारकर्दगी भी जाल की गुलाई भी सब कुछ बनते हैं, इसमें निकासी का भी फर्क है। इसमें हमें ये बताएं, हम सारी मशीनें जो देख रहे हैं तकरीबन ये आप सेम ही रख रहे हैं? ये जी ये सेम होएगा सब में, सब में डबल में, डबल में ये सेम होएगा, डबल में सेम, डबल में सेम होएगा ये। अच्छा, ये जो मैंने उसका बताया ना स्पेशल डिलक्स मॉडल का, वही कुछ इसमें है। इसमें दात्री वाले कटर लगे हैं, जैसे थोड़ी बहुत सिनी कनक होती है ना वो भी क्रश करेगी। उससे बाद जो है ना इसकी निकासी में फर्क है, डीजल में फर्क है, सब कुछ में फर्क है। अच्छा, इसमें सानू थोड़ा जा जेडी छापर शहर ते लाई गई है जी जी, ये दे बारे थोड़ा जा गाइड। अरे बारे क्या हैगा भाई जान, ये दो हिस्से हैं जी, साड़ी मेन छापट हैगी जे पूरा। आ जाओ भाई जान, ये देख रहे हैं ना आप, ये पिछला हिस्सा चल रहा है ना, घूम रहा हैगा, वो खड़ा हैगा। ये जो सा पिछला हिस्सा ना इस साइड से चलेगा इस छापट से, ये दो हिस्सों में शाफट बनी हुई, इसके चक्कर कम वर्द करने पड़ते हैं।
डबल मशीन में ये शाफट लगती है तो उसके चक्रों में फर्क होता है। कोई नहीं नहीं कोई लोड नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह बिल्कुल सही रहेगा, लोड का कोई मसला नहीं है। पिछले हिस्से नूं चलाउंदा वा ओ आ चीज़ आ, पिछला हिस्से नूं चलाएगा जी, इत्थों हुण मैं तुहानूं दस्सां, ए पंखा भी चलेगा भाई जान, ए केम छानना भी चलेगा, उधर वो पंखी भी चलेगी। ये तीनों चीजें जो सी यहाँ से चलेंगी, पिछले हिस्से से यहाँ से चलेंगी पिछले हिस्से से। बाकी अच्छा, छानने के बारे थोड़ा सा गाइड कर दो। छानने के बारे जालियां है ना डबल, वो छानने बिल्कुल सही है, डबल जाली होएगी, डबल जाल, ये डबल मशीन है ना। हाँ जी, डबल मशीन से मुराद ये है कि हम डबल सामान देंगे, एक चने वाली फिटिंग देंगे और एक गंदम वाली देंगे। वैसे फसल जो सा आपका दिल करे इधर ये आप देख लें, ये लिखा हुआ है, ये आप वीडियो बना लें। ये नवा मॉडल आया जे जनाब भाईजान, इसमें चना, गंदम, दाल, मूंगी और ग्वारा एक ही जाल में निकलेगा इंशाल्लाह। इसका जाल नहीं तब्दील करना पड़ेगा, यूनिवर्सल में ना एक जाल होएगा डबल में, उसमें सारी तीनों फसलें निकलेंगी। चलो लो जी, इंजीनियर साहब साढ़े नाल सीगे जिहड़े इत्थे इनफॉर्मेशन दित्ती सानू इन्हां शरीफ थ्रैशरां दे बारे। तो मजीद अपने इदारे के बारे में बताएं, कब से ये काम कर रहा है? ये तो बहुत पुराना है जी, इंशाल्लाह सरगोधे में सबसे पुराना जो था ये है इसी में। अच्छा, सबसे पुराना, सबसे पहला हम ये कहते हैं शरीफ वालों की तरह जी है। ये जो था आपने मॉडल की फोटो बनाई है ना, इस मॉडल में सबसे पहले शरीफ वीट थ्रेशर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा मयार है जी, एक मयार है, ब्रांड है एक जी। तो इसकी आप गारंटी वगैरह कितनी देर की देते हैं? गारंटी सीजन की होती है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गारंटी पे हमारी सर्विस है, कुछ इलाके ऐसे हैं पंजाब में भी जहाँ सर्विस नहीं है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, कोई मसला वगैरह इसका हो जाता, मसला वगैरह हो जाता है हमारी फील्ड में, जहाँ फील्ड है ना जी, जहाँ सर्विस है की वहाँ जाके हमारे बंदे जो से काम करते। अच्छा, ओके कर गया, ठीक है। कौन कौन सी चीज की आप इसमें गारंटी देते हैं? इसमें सिर्फ मेन शावर की गारंटी होगी टूटन में, और किसी चीज की गारंटी नहीं है। अच्छा, इस टाइम आपने कितने मॉडल बताए आपने? इस टाइम हमारे पे 6 मॉडल बने हैं। 6 मॉडल हैं। तो अगर कोई बंदा बुकिंग करवाना चाहे, जमींदार, बुकिंग अवेलेबल है अभी? फिलहाल तो हो रही है जी बुकिंग। अच्छा, कब तक हो सकती है? देखो ये मौसम के अपना, ये दुकानदारी का हिसाब होता है जी जी। ये मतलब आज अगर कोई जमींदार बुक करवाता है उसे सीजन में मिल जाएगी? जनाब हो जाएगी आज, सीजन में मिल जाएगी उसके? जी सीजन में, कनक से पहले मिलेगी। हाँ ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मजीद अपना एड्रेस वगैरह और रबता नंबर शेयर कर दें। ठीक है, ये अपना सरगोधा फातिमा जिना रोड सरगोधा जी, आरा मार्केट वाली गली।